हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई लिखाई जो है आप लोग चल रहा होगा आप लोग का। फटाफट से जो है जल्दी से जुड़ जाइए और फिर क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ दिख रहा है, विजिबल है, क्लियर है। और भाग भाग के क्लास लेने आए हैं आप लोग, बाहर थे तुरंत पहुंचे, तुरंत सब कुछ रेडी किया, फेस धुला और आपके सामने। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिश इंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, फिश इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे। तो रेडी? यस, ठीक हूँ। प्रियंका आप कैसी हैं? और पीछे का पढ़ाई रिवीजन वगैरह सब चल रहा है? तो स्टार्ट करें फिर। चलिए फिश इंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडोक्राइनोलॉजी किसको कहते हैं? इंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है कि इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इंडोक्राइनोलॉजी। तो हम लोग यहाँ पे किसकी किसके इंडोक्राइन सिस्टम के स्टडी करने वाले हैं? फिश की। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो है पढ़ना क्या क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड में, सबसे पहले तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना है, थायरॉइड ग्लैंड पढ़ना है और पीनियल ग्लैंड पढ़ना है। थायरॉइड और पीनियल ही है ना? शायद शायद पीनियल ही है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉइड और पीनियल ग्लैंड आप लोग को पढ़ना है। तो अब आज का जो हमारा क्लास होगा वो हम एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, देन वी आर स्विच्ड ऑन द नेक्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज थायरॉइड ग्लैंड पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे ही होगा। तो ह्यूमन में अपने आप में जो है आप लोग थायरॉइड सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत कुछ जानते होंगे। तो जो फिश का जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है तो वो मैमल्स के कंपैरिजन में डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वही चीज़ देखेंगे, क्या फंक्शन करता है, कैसा स्ट्रक्चर है एंड कैसे ये ओरिजिनेट हुआ है, क्या इसका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिनेशन है, तो इन सब चीज़ के बारे में डील करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन आप लोग देख लीजिए, ये फिश का स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर का फिश आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपको येल्लो कलर का यहाँ पे अपीयरेंस आपको दिख रहा है आई के बगल में यहाँ पे। ठीक है, तो इसका लोकेशन कहाँ होता है? ब्रेन में होता है एंड बिलो द ऑप्टिक काइज़मा। ठीक है, मतलब ब्रेन का जो रीजन होता है उसके नीचे ऑप्टिक काइज़मा एक रीजन होता है, मतलब स्कल जो पोर्शन होता है वहाँ एक डिप्रेशन होता है, एक गड्ढा होता है जिसको सेला टर्सिका बोलते हैं, और उस गड्ढे में जो होता है ये ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बाकी ग्लैंड पे अभी ध्यान नहीं देना है, अभी आपको ध्यान देना है पिट्यूटरी ग्लैंड पे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है। ये लोकेशन आपको यहाँ पे प्लेस विजुलाइज करने के लिए ये डायग्राम रखा गया है, तो ये देख पा रहे हैं आप लोग? ओके, ठीक है, तो यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये बात दिमाग में रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे टॉपिक पे। ठीक है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बाद में आएंगे, थोड़ा इसके बारे में बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है मास्टर ग्लैंड।
और ये बहुत बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसको मास्टर ग्लैंड, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बाकी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर में काम करता है, बाकी सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड अ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब इस ग्लैंड के ऊपर में भी काम करता है, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करने वाला जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो कौन है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को के ऊपर काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा, मास्टर ग्लैंड तो सब लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये भी जानते होंगे, लेकिन सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथैलेमस को, ठीक है। सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथैलेमस को, बिकॉज इट कंट्रोल द मास्टर ग्लैंड दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। तो अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो भी, तो वो क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर के जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करवाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में जब वो हार्मोन जाता है तब वो अपने टारगेट जो भी ऑर्गेन्स है, जो भी टारगेट उसका फंक्शंस है, जो भी सेल्स हैं वहाँ पे जाता है और वो वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इस तरीके से जो एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में जब हम बात करेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये बात आप लोग को पता होगा, ठीक है, नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, आज जान लीजिए, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिसिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जब ये हाइपोफिसिस और हाइपोथैलेमस साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इसको हाइपोफिशियल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, हाइपोफिशियल सिस्टम कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो काम कैसे करता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर के ठीक है नर्वस सिस्टम के साथ मिलके हार्मोन का सिक्रीशन करता है, कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में करता है, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये हार्मोन कहाँ जाता है, अपने टारगेट जो भी प्लेस है इसका टारगेट वो वहां पे जाएगा, मतलब अपने जो जैसा हार्मोन है, जैसे इंसुलिन है तो इंसुलिन रिसेप्टर पे आकर के बाइंड करेगा, तो जो भी हार्मोन्स होंगे एस्ट्रोजन होगा या जो भी हार्मोन्स होंगे वो अपने टारगेट रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग सिग्नलिंग प्रोसेस आगे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम भी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये था बेसिक चीज जो जानना जरूरी है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे, हम फोकस कर रहे हैं फिश के पिट्यूटरी ग्लैंड पे प्रॉपर, ठीक है। तो अब इसके लोकेशन का बात ध्यान में आ रहा है, कहाँ पे है डायग्राम में, कहाँ पे, वेंट्रल सरफेस ऑफ ब्रेन बिलो ऑप्टिक काइज्मा। अब ये ऑप्टिक काइज्मा कहाँ, कौन सा प्लेस होता है, तो स्कल में एक एरिया होता है जिस स्फेनोइड एरिया बोलते हैं, स्कल में एक एरिया होता है जिसको कौन सा एरिया बोलते हैं, स्फेनोइड एरिया बोलते हैं। वहाँ पे एक सेलो डिप्रेशन होता है, एक गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सेला टर्शिका कहते हैं। यहीं पर हाइपोफिसिस आपको देखने को मिलेगा, हाइपोफिसिस बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हाइपोफिसिस भी बोलते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कैसे डिराइव, मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड बना है वो सबसे पहले एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस से में डिवाइड होकर के बनता है। तो अब ये जो एडिनो हाइपोफिसिस है, मतलब जो ब्रेन का जो पोर्शन है, ठीक है, ब्रेन का जो ये बिलो ऑप्टिक काइज्मा वाला जो रीजन है उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, मॉडिफिकेशन होने के बाद एडिनो हाइपोफिसिस बनता है और न्यूरो हाइपोफिसिस बनता है। तो जो एडिनो हाइपोफिसिस जो बनता है वो बक्कल कैविटी का जो एक्टोडर्मल वाला पार्ट होता है उसके इवेजिनेशन से बनता है, जिसको कि कहते हैं रथ के स्पाउस, ठीक है, मतलब डिराइव फ्रॉम डॉर्सल इवेजिनेशन ऑफ द एक्टोडर्मल पार्ट ऑफ द बक्कल कैविटी, इसको क्या कहते हैं, रथ के स्पाउस। अगर जनरली अगर बोल दें तो एडिनो हाइपोफिसिस जो है वो किससे बना हुआ है, किससे डिराइव हुआ है, तो रथ के स्पाउस से ये डिराइव हुआ है, कैसे हुआ है ये भी हम लोग देखेंगे। न्यूरो हाइपोफिसिस जो है वो एम्ब्रायनिक डायन्सेफेलोन के फ्लोर से ये डेवलप होता है। अब ये डायन्सेफेलोन फ्लोर कैसा दिखता है, रथ के स्पाउस कैसा होता है, ये सारा चीज़ देखते हैं डायग्राम से। तो ये डायग्राम हमने सिंपल वे में बनाने की कोशिश की है, ध्यान से देखिएगा।
ये वाला जो स्ट्रक्चर है, चलिए मैं यहाँ बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं फ्लोर ऑफ डायन्सिफेलो, ठीक है, फ्लोर ऑफ डायन्सिफेलोन। ये जो फ्लोर ऑफ डायन्सिफेलोन है इसके नीचे होता है फोरगट। तो फोरगट वाला जो पार्ट होता है वो कुछ यू इस तरीके से करके बना होता है, ठीक है, ये इस तरीके से। और इस दोनों के बीच में, यानी कि ये है फोरगट, किसका, मतलब एक्टोडर्म ऑफ फोरगट, फोरगट का एक्टोडर्म वाला लेयर है, यानी आउटर लेयर है, फोरगट का आउटर लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोर ऑफ डायन्सिफेलोन है, जो फोरगट ऑफ एक्टोडर्म है, इसके बीच में यहाँ पे ऐसे रथकेस पाउच होता है, इसको बोलते हैं रथकेस पाउच, ठीक है, रथकेस पाउच। यही डायग्राम यहाँ पे हमने दिखाया है, ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फ्लोर ऑफ डायन्सिफेलोन, ये यहाँ पे नीचे जो है एक्टोडर्म ऑफ फोरगट है, ये आउटर लेयर, और इन दोनों के बीच में रथकेस पाउच है, और यहाँ पे कैविटीज है, फोरगट के अंदर कैविटीज देखने को मिलता है जिसको कि कैविटी ऑफ फोरगट कहते हैं। तो अब हमें फोरगट कैविटी से इधर से नहीं बात करना है, अभी हम बात करने वाले हैं किसमें, कि डायन्सिफेलोन और ये रथकेस पाउच। तो हमारा जो एडिनो हाइपोफेसिस, मतलब फिश के अंदर जो एडिनो हाइपोफेसिस और न्यूरो हाइपोफेसिस जो बन रहा है, तो एडिनो हाइपोफेसिस किसका मॉडिफिकेशन है, तो रथकेस पाउच, ये वाला रथकेस पाउच का मॉडिफिकेशन है, और ये न्यूरो हाइपोफेसिस किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये डायन्सिफेलोन का मॉडिफिकेशन है। तो अब ये जो रथकेस पाउच आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसे कन्वर्ट होता है एडिनो हाइपोफेसिस में, अभी ये स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर है, जब मतलब स्टार्टिंग फेज में है, ठीक है। अब इसके बाद ये कैसे ये जो है एडिनो हाइपोफेसिस और न्यूरो हाइपोफेसिस में कन्वर्ट होता है, ये देखने की कोशिश करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, मैं नेक्स्ट पेज लेती हूँ उसके लिए। तो अभी हमने डायग्राम कैसा बनाया था देखिएगा, यहाँ पे बना हुआ है, चलिए मैं बना के ही दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये इस तरीके से फ्लोर और डायन्सिफेलोन हो गया, ये एक्टोडर्म ऑफ फोरगट था, ठीक है, यहाँ इस यहाँ पे बीच में रथकेस पाउच था, रथकेस पाउच, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे कुछ समय के लिए जो रथकेस पाउच है वो यहाँ इससे अलग हो जाता है, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये अलग हो जाएगा तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया फ्लोर ऑफ डायन्सिफेलोन, ठीक है। तो ये जो फ्लोर ऑफ डायन्सिफेलोन है ये थोड़ा इलेबोरेट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेबोरेट हो जाएगा, कुछ यू इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर जो है बनाएगा, ठीक है। और ये जो रथकेस पाउच है ये इस तरीके से यहाँ पे अलग हो जाएगा इससे, जो कि जुड़ा हुआ है फ्लोर ऑफ डायन्सिफेलोन से, यहाँ पे आपको दिख रहा है वो यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। अलग होने के बाद ये कैविटी यहाँ बनाएगा जिसको कि लूमेन कहते हैं, रेसिडुअल लूमेन कहते हैं, ठीक है, या कैविटी आप कह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये जो डायन्सिफेलोन वाला रीजन है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ यू इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको बोलेंगे न्यूरो हाइपोफेसिस। ये क्या बन जाएगा, न्यूरो हाइपोफेसिस। बात समझ में आ रही है, कैसे डायन्सिफेलोन जो है वो जो ब्रेन का डायन्सिफेलोन वाला जो रीजन है वो कैसे एक्सप्लोर होकर के न्यूरो हाइपोफेसिस बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो यहाँ पे जो रथकेस पाउच थोड़ी देर के लिए अलग हुआ था वो यहाँ पे आकर के इस तरीके से जो है यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वाला पोर्शन आपको बन जाता है एडिनो हाइपोफेसिस, एडिनो हाइपोफेसिस, समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है कि कैसे बन रहा है, ये कैसे यहाँ से मॉडिफाई हो रहा है। तो ये फ्लोर जो था, ये फ्लोर ऑफ डायन्सिफेलोन जो था,
नेहरू ऑफ डांस फेलो जो था ये किस तरह से यहाँ पे देखिए मॉडिफाई होता जा रहा है, मॉडिफाई होता जा रहा है और मॉडिफाई होके क्या बना ले रहा है, न्यूरोहाइपोफिसिस बना रहा है। और ये रथकेज पाउच, ये जो रथकेज पाउच है ये देखिए किस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है और क्या बना दे रहा है, एडिनोहाइपोफिसिस। ठीक है, आप इसको कहीं कहीं पढ़ोगे तो एडिनोहाइपोफिसिस को एंटेरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा एंटेरियर पिट्यूटरी, और न्यूरोहाइपोफिसिस को पोस्टेरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से यहाँ मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ छूट तो नहीं गया है, एक बार बना हुआ चीजें हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पे एक्टोडर्म फॉरगेट था, किस तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पे बल्बस लाइक स्ट्रक्चर बना एंड देन ये कन्वर्ट हो गया न्यूरोहाइपोफिसिस में, रेसिडुअल ल्यूमेन यहाँ पे कैविटी बनेगा, बाद में ये एडिनोहाइपिस और डिफ्रेंशिएट होगा वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल ये कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, ड्यूरिंग इम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन, तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे बनता है, ओरिजिनेट कैसे करता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो आपको डायग्राम है ये कब का डायग्राम है, ड्यूरिंग इम्ब्रायोजेनेसिस का डायग्राम है, जब इम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, यानी कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस समय पिट्यूटरी ग्लैंड का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो ये उस वक्त का डायग्राम है। क्लियर है बात? ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, ये चीजें हम लोगों ने देख लिया कैसे ओरिजिनेट करता है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं कुछ साइंटिस्ट अंकल के बारे में, ठीक है, जिन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड के हिस्टोलॉजी पे स्टडी किया, पढ़ा। तो ये जो साइंटिस्ट चाचा जी हैं वो किस किस फिश पे और कब कब इन्होंने इस पे इसके हिस्टोलॉजी पे डिस्कशन किया है, पढ़ा है, वो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो एक चाचा जी हैं जिनका नाम है ओलिवर केन, ठीक है, ओलिवर केन, जिन्होंने 1961 में एंगुला फिश है जिसपे जिसकी हिस्टोलॉजी पिट्यूटरी ग्लैंड के हिस्टोलॉजी पे इन्होंने स्टडी करा। दूसरा है सैथी हिसेन, सैथी हिसेन ने 1963 में हिल्सा फिश है उस पे इन्होंने उनके पिट्यूटरी ग्लैंड पे का इन्होंने हिस्टोफिजियोलॉजी को स्टडी करा। बॉल नाम के साइंटिस्ट हैं, ये फुटबॉल वाला बॉल नहीं है, ये अंकल वाले अंकल का नाम है बॉल। ठीक है, इन्होंने 1966 को जो है पोइसीलिया स्पीसीज में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के हिस्टोफिजियोलॉजी की स्टडी करा। तो ये कुछ साइंटिस्ट अंकल के नाम थे जिन्होंने कब और किस फिश में पिट्यूटरी ग्लैंड के हिस्टोफिजियोलॉजी के बारे में इन्होंने स्टडी करा और हमें भी बताया है ना, ये हम लोग देख चुके हैं। नाउ लेट्स कम ऑन द डिवीजन ऑफ फर्दर डिवीजन ऑफ द एडिनोहाइपोफिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो बना उसमें दो चैम्बर आपको दिखे बने, एडिनोहाइपोफिसिस और न्यूरोहाइपोफिसिस बना। एडिनोहाइपोफिसिस फर्दर डिवाइड करता है तीन चैम्बर में। ठीक है, क्या क्या बनता है, रोस्टल पार्स डिस्टेलिस बनाता है, प्रॉक्सिमल पार्स डिस्टेलिस बनाता है, पार्स इंटरमीडिया बनाता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो इस तरह से लिखेंगे RPD। ठीक है, याद रखिएगा PPD एंड PI। ठीक है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे। तो एडिनोहाइपोफिसिस तीन भाग में डिवाइड होता है, रोस्ट्रल पास डिस्टेलिस, प्रॉक्सिमल पास डिस्टेलिस एंड पास इंटरमीडिया में। ओल्ड में मतलब पहले, ये तो न्यू नामांकरण है, इससे पहले मतलब एंशियंट टाइम में, मतलब इसको कहा एंशियंट टाइम एक तरह से कह लीजिए, मतलब इस नाम से पहले, इस जो नीचे वाला नाम लिखा हुआ है इस नाम से जाना जाता था, तब ये नाम पुराना आप कह लीजिए और ये नाम अच्छा खासा नया वाला कह लीजिए। मतलब जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना अपने इंडिया में रहते हैं, छोटू मोटू पिंटू सिंटू सब नाम रहता है, ठीक है, फॉरेन में जाएंगे तो एकदम बड़ा सा नाम रख लेंगे कुछ कि हम फॉरेन के हैं, मतलब ऐसा कुछ। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि जो है इसका निक नेम एक कुछ एक घरेलू नेम इस टाइप से था और इन ये फॉरेन जा करके मतलब फॉरेन टाइप का नामकरण जो है इसका हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो रोस्टल पास डिस्टेलिस का जो पुराना नाम है उसको पुराना नाम कहते हैं प्रो एडिनोहाइपोफिसिस। ठीक है, तो मतलब पहले सबसे पहले जो एडिनोहाइपोफिसिस के बारे में स्टडी करा था तो उन्होंने डिवाइड करा था कि एडिनोहाइपोफिसिस, प्रो एडिनोहाइपोफिसिस, मेजो एडिनोहाइपोफिसिस एंड मेटा एडिनोहाइपोफिसिस में डिफ्रेंशिएट होता है। बाद में प्रो एडिनोहाइपोफिसिस को नाम दे दिया गया रोस्टल पास डिस्टेलिस
मीजो एडिनो हाइपोफिसिस को नाम दे दिया गया प्रॉक्सिमल पार्स डिस्टेलिस एंड मेटा एडिनो हाइपोफिसिस का नाम दे दिया गया पार्स इंटरमीडिया। क्लियर है? निकनेम कुछ भी हो सकता है, प्यार से जो लोग बोल दें वो निकनेम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एडिनो हाइपोफिसिस तीन स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रहा है। मैं दो से तीन बार चार बार बोल रही हूँ, उसका मतलब है कि आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जाना चाहिए, इवन कि याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एडिनो हाइपोफिसिस कितने भाग में डिफ्रेंशिएट होता है? तीन भाग में। कौन कौन सा? आरपीडी, पीपीडी एंड पीआई। आरपीडी रोस्टल पास डिस्टेलिस, पीपीडी प्रॉक्सिमल पास डिस्टेलिस, पीआई पास इंटरमीडिया। रोस्टल पास डिस्टेलिस को ही प्रो एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं, प्रॉक्सिमल पार्स डिस्टेलिस को ही मीजो एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं, पार्स इंटरमीडिया को ही मेटा एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं। क्लियर है बात? दूसरा पार्ट आता है न्यूरो हाइपोफिसिस। तो न्यूरो हाइपोफिसिस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले एडिनो हाइपोफिसिस का जो ये तीनों डिवाइड कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग रोस्टल पार्ट को देखेंगे। ठीक है, रोस्टल पास डिस्टेलिस कहाँ पे होता है? तो ये सबसे एंटेरियर मोस्ट पार्ट है एडिनो हाइपोफिसिस। याद रखिएगा, एडिनो हाइपोफिसिस का सबसे ज़्यादा एंटेरियर मोस्ट पार्ट कौन है? रोस्टल पास डिस्टेलिस है, जो कि स्मॉलेस्ट होता है। मतलब एक तो ये एंटेरियर मोस्ट पार्ट है और साथ ही साथ ये स्मॉलेस्ट पार्ट भी है एडिनो हाइपोफिसिस का। ठीक है, इसमें जो है ये जो रोस्टल पास डिस्टेलिस वाला भाग होता है एडिनो हाइपोफिसिस का, वो रिच होता है किसमें? एसिडोफिल्स में, यानी कि ये एसिडोफिल्स जो है वो कंटेन करता है। इसमें कुछ साइनोफिल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और जो आरपीडी का जो चीफ सेल होता है उसको प्रोलैक्टिन बोलते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन का इसमें कोई फंक्शन नहीं होता है, जैसा कि मैमल्स के केस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन का फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन करने में और जो है मिलेनोफोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फंक्शन जो होता है मैमल्स से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, जबकि मैमल्स में प्रोलैक्टिन का काम दूसरा होता है। यहाँ पे प्रोलैक्टिन मिल्क से रिलेटेड वहाँ पे काम होता है। ठीक है, मिल्क इजेक्शन में काम होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? ऑस्मो रेगुलेशन में काम आ जाएगा और मिलानिन पिगमेंट को प्रमोट करने में यहाँ पे आपको देखा जाएगा फंक्शन। तो ये हो गया रोस्टल पार्स डिस्टेलिस। क्या है? एडिनो हाइपोफिसिस का एंटेरियर पार्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? एसिडोफिल्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कुछ साइनोफिल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और रोस्टल पास डिस्टेलिस का एक चीफ सेल कहलाता है जिसको क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन बोलते हैं। दूसरा पार्ट आता है प्रॉक्सिमल पार्स डिस्टेलिस, दैट इज पीपीडी। पीपीडी जो है ये मिडिल वाला पोर्शन है एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द आरपीडी एंड पीआई। आरपीडी रोस्टल पार्स डिस्टेलिस एंड पीआई पार्स इंटरमीडिया, तो ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। किन दोनों के बीच में? रोस्टल पास डिस्टेलिस के बीच में और पास इंटरमीडिया, इन दोनों के बीच में प्रॉक्सिमल पास डिस्टेलिस पाया जाता है। एडिनो हाइपोफिसिस का जो है लार्जेस्ट ये पार्ट होता है। ठीक है, ये इसमें सिर्फ एसिडोफिल्स थे, ध्यान रखिएगा। रोस्टल पास डिस्टेलिस में क्या है? सिर्फ एसिडोफिल्स हैं, जबकि इसमें एसिडोफिल्स होंगे, साइनोफिल्स होंगे एंड क्रोमोफोबिक सेल्स होंगे। ये सारे यहाँ पे सेल्स कंटेन करता है प्रॉक्सिमल पार्स डिस्टेलिस। क्या क्या? एसिडोफिलिक, साइनोफिलिक एंड क्रोमोफोबिक सेल्स कंटेन करता है। अब ये जो एसिडोफिलिक सेल्स है ये इंक्लूड करता है इराइथ्रोसिनोफिलिक एंड ऑर्गेनजियोफिलिक सेल्स। जो एसिडोफिलिक सेल्स है वो क्या क्या कंटेन करता है? इराइथ्रोसिनोफिलिक सेल्स एंड ऑर्गेनजियोफिलिक सेल्स कंटेन करता है, जिसका नंबर और साइज जो है, जब फिश का मतलब वो वाला स्टेज होता है जब वो स्पॉइंग करती है, मतलब एग लाई कर रही होती है, तो उस समय देखा जाता है कि जो एसिडोफिल सेल है जो कि कंटेन कर रहा होता है इराइथ्रोसिनोफिल्स एंड ऑर्गेन जियोफिल्स, तो ये सेल्स का नंबर और साइज दोनों कम हो जाता है ड्यूरिंग स्पॉइंग के दौरान। ठीक है, अब बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया। ओके प्रियंका, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है पास इंटरमीडिया। तो पास इंटरमीडिया क्या होता है? ये मोस्ट पोस्टेरियर पार्ट होता है एडिनो हाइपोफिसिस का,
और ये कंटेन करता है एसिडोफिल्स, साइनोफिल्स एंड क्रोमोफोबिक सेल्स, ठीक है, क्रोमोफोबिक सेल्स या क्रोमोफोब्स आप कह सकते हैं। तो एडिनो हाइपोफिसिस का जो तीसरा वाला पोर्शन है पास इंटरमीडिया, वो सबसे मोस्ट पोस्टेरियर पार्ट होता है, सबसे बड़ा होगा साइज में इन कंपैरिजन ऑफ अर्लियर टू, ठीक है। और ये कंटेंट्स क्या क्या करेंगे, एसिडोफिल्स कंटेंट्स करते हैं, साइनोफिल्स कंटेंट्स करते हैं एंड क्रोमोफोब सेल्स कंटेंट करते हैं। इसका भी साइज इसमें क्या देखा जाता है, इसमें तो एसिडोफिल्स का नंबर और साइज डिक्रीज कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था ड्यूरिंग स्पोइंग, यहाँ पे साइनोफिल्स का नंबर और साइज डिक्रीज कर रहा होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल में, कौन सा स्टेज में, ड्यूरिंग पोस्ट स्पोइंग स्टेज में, ठीक है। पोस्ट स्पोइंग स्टेज मतलब लास्ट स्टेज ऑफ स्पोइंग होता है, मतलब एग लाइन का लास्ट स्टेज में। तो ये था एडिनो हाइपोफिसिस के बारे में। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि एडिनो हाइपोफिसिस कितने भाग में डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए एक जनरल पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब एक जनरल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, इसमें कोई भी उतना सेल्स वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ हमने हाइपोफिसिस को रिप्रेजेंट करा हुआ है। हाइपोफिसिस का सारे पार्ट्स यहाँ पे क्लियर आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला इनफंडिबुलम रीजन है जहाँ से हाइपोथैलेमस और जो है ये हाइपोफिसिस जुड़ता है, दैट इज इनफंडिबुलम रीजन या स्टॉक भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन हो गया एडिनो हाइपोफिसिस, तो एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस दो होता है। एडिनो हाइपोफिसिस डिफरेंशिएट करता है किसमें, रोस्टल पास डिस्टेलिस में एंड प्रॉक्सिमल पास डिस्टेलिस में एंड पास इंटरमीडिया में। तो एडिनो हाइपोफिसिस में ये वाला पोर्शन देखिए, इस ये वाला जो एंटीरियर पोर्शन है, ये एंटीरियर पोर्शन क्या हो जाता है, रोस्टल पास डिस्टेलिस हो जाता है। ये जो यहाँ पे आपको मिडिल वाला पोर्शन देख रहे हैं, दैट इज प्रॉक्सिमल पास डिस्टेलिस हो जाता है। और ये जो पोस्टेरियर साइड का पोर्शन आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। इसी के जस्ट यहाँ पे जो होता है न्यूरो हाइपोफिसिस होता है, जो कि डायनसेफेलोन का बना हुआ होता है, मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जनरल एक पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एडिनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस। अब इसमें कुछ सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब एक पार्टिकुलर फिश का हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड लेते हैं, ये जो है आपको एंगुलर फिश का पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, याद रखिएगा, एंगुलर फिश का पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं ये वाला जो ब्लैक पोर्शन है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ न्यूरो हाइपोफिसिस और एडिनो हाइपोफिसिस हमने यहाँ रिप्रेजेंट करा है पिट्यूटरी ग्लैंड में। यहाँ पे हम एक पार्टिकुलर फिश के पिट्यूटरी ग्लैंड पे बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, और कि कौन से फिश पे बात कर रहे हैं, एंगुला फिश पे बात कर रहे हैं। तो ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है वो है पार्स इंटरमीडिया, यहाँ पे जो यहाँ पे मिडिल पोर्शन ये वाला जो दिख रहा है ये हो गया प्रॉक्सिमल पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्स डिस्टेलिस। और ये वाला जो रीजन हो गया ये इसको बोलेंगे रोस्टल पार्स डिस्टेलिस। अब यहाँ पे एक एक करके जो मैं बोलूंगी उस पर ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। रोस्टल पार्स डिस्टेलिस पे बात करते हैं, सबसे पहला एडिनो हाइपोफिसिस का सबसे पहला भाग है रोस्टल पास डिस्टेलिस आरपीडी। आरपीडी में यहाँ पे देखिए आपको कोई सेल्स नजर आ रहा है प्रोलैक्टिन सेल्स दिख रहे हैं। तो रोस्टल पास डिस्टेलिस इस तरीके से प्रोलैक्टिन सेल्स कंटेन करता है। और क्या कंटेन करता है यहाँ पे रोस्टल पास डिस्टेलिस, थायरोट्रॉप सेल कंटेन करता है, ठीक है। तो रोस्टल पास डिस्टेलिस क्या क्या कंटेन कर रहा है, प्रोलैक्टिन सेल कंटेन कर रहा है और थायरोट्रॉप सेल कंटेन कर रहा है। प्रोलैक्टिन सेल का जैसा कि हमने फंक्शन बताया, ये फंक्शन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसका फंक्शन ऑस्मोरेगुलेशन में हो गया। थायरोट्रॉप भी कहाँ पे पाया जाता है, रोस्टल पास डिस्टेलिस में पाया जाता है। थायरोट्रॉप का काम क्या है, थायरोट्रोपिन को सिक्रीट करना, ठीक है, रिलीज करना, ये सेल्स थायरोट्रोपिन को जो है रिलीज करवाएगा, ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, रेगुलेट करेगा, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट कम यहाँ पे आते हैं, एक यहाँ पे भाग है कॉर्टिकोट्रोपिन, यहाँ पे कंटेन कर रहा होता है इस ये वाला भाग, कॉर्टिकोट्रोपिन यहाँ पे कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज करेगा। ACTH भी आप कह सकते हैं, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन जो है वो यहाँ पे ये
रिलीज करेगा, ठीक है, उसको रेगुलेट करेगा, इसका फंक्शन ये हो जाता है ना। उसके बाद बीच वाला जो आगे प्रॉक्सिमल पास्ट स्टेलिस पे आते हैं, प्रॉक्सिमल पास्ट स्टेलिस में दो तरह के आपको यहाँ पे सेल्स देखने को मिलेगा, एक हो गया सोमेटोट्रॉप सेल, दूसरा हो गया गोनेटोट्रॉप सेल। सोमेटोट्रॉप सेल्स जो है वो क्या करेगा, ये जी एच जो है रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन सोमेटोट्रॉप सेल्स रिलीज करते हैं, जी एच। जी एच क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, जो कि इसके ग्रोथ को, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। दूसरा आता है जो प्रॉक्सिमल पास स्टेलिस में सेल्स प्रेजेंट है, गोनेडोट्रॉप सेल्स। गोनेडोट्रॉप सेल्स क्या क्या होते हैं, एफ एस एच होता है, एल एच होता है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनिजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रॉप सेल जो है वो एफ एस एच और एल एच को सिक्रीट करते हैं, और ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन में ये जो है पार्टिसिपेट कर रहा होता है ये हार्मोन, ठीक है। तो इस तरीके से ये गोनेडोट्रॉप जो है ये रिलीज करता है जी एच सॉरी एफ एस एच एंड एल एच, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वन इज, एक मिनट रुकिएगा, क्या हो गया, कमेंट में इतना शोर काहे मचा रहे हो आप लोग। प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी डायग्राम अच्छा बनेगा। प्रियंका, जैसे कि जो भी डायग्राम बनाते हैं वो आप देख देख करके कम से कम दो से तीन बार बनाइए, दो से तीन बार देख के बनाइए, फिर आप उसको विजुलाइज कीजिए कि क्या क्या चीज़ें कैसे बनी हुई है, फिर आप अपने बिना देखे आप अपने मन से दो तीन बार बनाइए, ठीक है, आपको भी बनाना आ जाएगा अच्छा डायग्राम। चलिए कहाँ चल रहे थे हम लोग, हाँ पार्ट्स प्रॉक्सिमल पार्ट डिस्टेलिस हमने पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो पार्ट्स इंटरमीडिया ये वाला जो रीजन हो गया, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो वाला हो गया पार्ट्स इंटरमीडिया, ठीक है। और ये वाला रीजन हो गया न्यूरो हाइपोफिसिस, ये वाला जो रीजन हो गया ये क्या हो गया, न्यूरो हाइपोफिसिस। तो ये हम लोग लिए हैं एंगुला एंगुला फिश का पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाला है, निकाल के आपके सामने यहाँ चिपका दिया है, तो देख लीजिए कैसा डायग्राम होता है। ये डायग्राम आपको समझ आया या मैं फिर से एक बार समझाऊं, बताइए जरा। बताइए समझ आया या फिर से एक बार समझाऊं या आगे चलो। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो भी हमने देखा, ठीक है, जो भी सेल्स हमने देखा, तो जो भी एडिनो हाइपोफिसिस है वो अलग अलग भाग में डिफरेंशिएट हो रहा है, और जो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एडिनो हाइपोफिसिस है दे कंटेन्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, एंड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सिक्रीट अ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, एंड दिस डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स हैविंग डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, चले आगे, ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। तो एडिनो हाइपोफिसिस में सबसे पहला हो गया रोस्टल पास्ट डिस्टेलिस। तो रोस्टल पास्ट डिस्टेलिस में जो है लैक्टोट्रॉप सेल्स होते हैं, ठीक है, लैक्टोट्रॉप सेल्स होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स होते हैं। रोस्टल पास्ट डिस्टेलिस में दो तरह के सेल्स होते हैं, लैक्टोट्रॉप सेल्स होते हैं एंड कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स होते हैं। जो लैक्टोट्रॉप सेल्स होते हैं ना वो रिलीज करते हैं प्रोलैक्टिन। अच्छा एक बात यहाँ पे जान लीजिए, ये आप
जो भी रोस्टर ये है डिवाइड डिवीजन किया गया है वो डिवीजन है, ठीक है। ये यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया 1-2 नंबरिंग में, मतलब अगर आपको 1-2 नंबरिंग दिख रहा है तो ये आपको सेल टाइप रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है। मतलब जिस भी सेल्स का नाम बोलूंगी ये सेल टाइप है। ये उसके बाद जो है ये वाला जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पे जो है हार्मोन है और ये यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो रोस्टल पास स्टेलिस जो कि एडिनो हाइपोफिसिस का एंटेरियर पार्ट है उस वो कंटेन करता है लैक्टोट्रॉप सेल और कॉर्टिकोट्रॉप सेल। जो लैक्टोट्रॉप सेल है वो क्या रिलीज करता है, सिक्रेट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट करता है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन में और मिलेनोजेनेसिस में, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर के वाटर को बैलेंस करने में, आयन को बैलेंस करने में, ठीक है, इन सब में ये प्रोलैक्टिन यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, और मिलेनो जेनेसिस में ये यहाँ पार्टिसिपेट करता है। दूसरा सेल्स है कॉर्टिकोट्रॉप सेल जो कि कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीज करता है, ACTH रिलीज करता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिन हार्मोन रिलीज करता है और ये रेगुलेट करता है कॉर्टिकोट्रॉपिन को रिलीज करवाने में एड्रीनल ग्लैंड से। तो एड्रीनल ग्लैंड से कॉर्टिकोट्रॉपिन हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट कौन करता है, कॉर्टिकोट्रॉपिन हार्मोन करता है, और ये कहाँ से रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रॉप सेल से रिलीज होता है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी लास्ट में हम क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है प्रॉक्सिमल पार्ट स्टेलिस जो कि मिडिल पोर्शन है एडिनो हाइपोफिसिस का, जो प्रेजेंट होता है RPD और PI के बीच में, और ये कंटेंस करता है तीन तरह का सेल, एक तो है थायरोट्रॉप सेल, दूसरा है गोनेडोट्रॉप सेल, तीसरा है सोमेटोट्रॉप सेल। जो थायरोट्रॉप सेल होता है वो थायरोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है TSH, इसका एग्जांपल हो गया थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद ये क्या काम इसका है, रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड सिक्रीशन को रेगुलेट करता है थायरॉइड ग्लैंड से। तो थायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज करवाने का काम कौन करता है, यहाँ पे थायरोट्रोपिन करता है। थायरोट्रोपिन कहाँ से रेगुलेट होता है, थायरोट्रॉप सेल से रेगुलेट होता है। और उसके बाद आता है दूसरा गोनेडोट्रॉप सेल्स। गोनेडोट्रॉप सेल्स क्या रिलीज करता है, गोनेडोट्रॉपिन रिलीज करता है। जैसे कि क्या क्या गोनेडोट्रॉपिन हो सकते हैं, FSH हो सकता है, LH हो सकता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रॉपिन का यहाँ पे क्या फंक्शन रोल देखा जाता है, तो ये गोनेडोल हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है ओजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है सोमेटोट्रॉप सेल्स। सोमेटोट्रॉप सेल्स क्या रिलीज करता है, सोमेटोट्रॉपिन रिलीज करता है, एग्जाम्पल GH दैट इज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, फिश के बॉडी का ग्रोथ करवाएगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा और BMR रेट को बढ़ाएगा। BMR रेट क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायरोट्रोपिन सेल्स एक मिनट देख लेते हैं। यस इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसमें भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं, थायरोट्रॉप सेल्स जो है कहाँ गया, इसको देख लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कहाँ चले थे, सोमेटोट्रॉप सेल्स। सोमेटोट्रॉप सेल्स जो है GH सिक्रीट करता है, सोमेटोट्रॉपिन सिक्रीट करता है, जैसे एग्जांपल में GH हो गया, और ये फिश के बॉडी का ग्रोथ करवाता है और BMR दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया क्या होता है, पार्स इंटरमीडिया में कौन कौन से जो है, यहाँ पे MSH और जो है MCS दो हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है। MSH क्या होता है, मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग या डिस्पर्सिंग हार्मोन होता है, और MCH क्या होता है, मिलेनोफोर कॉन्ट्रैक्टिंग हार्मोन होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे ये जो है डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करा गया है थायरोट्रॉप सेल। याद रखिएगा प्रॉक्सिमल पार्स डिस्टेलिस भी कंटेन करता है थायरोट्रॉप सेल, ठीक है, सही है ये। उसके बाद आता है, कहाँ चल रहे थे हम लोग, हाँ इसका फंक्शन देख लीजिए, फैन चल रहा है लेकिन विंडो बंद करा हुआ है ना, कि पीछे से आवाज आती है बहुत ज्यादा, इसलिए फंक्शन इसका क्या हो जाता है, रेगुलेट करता है, यानी कि जो है मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन
ठीक है, एम एस एच एंड एम सी एच, एम एस एच एंड एम सी एच जो है वो क्या फंक्शन करता है, तो ये रेगुलेट करता है कंसंट्रेशन और डिस्पर्शन ऑफ पिगमेंट विद इन मिलेनोफोर्स। तो मिलेनोफोर के अंदर जो है पिगमेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ पे कितना होना चाहिए, किस रीजन में कितना पिगमेंट का डिस्पर्शन होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो इसके बाद इसको रेगुलेट कौन करता है, एम एस एच करता है एंड एम सी एच करता है। दूसरा आता है न्यूरोहाइपोफिसिस। न्यूरोहाइपोफिसिस के फंक्शन में हम बाद में आएंगे, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि न्यूरोहाइपोफिसिस कैसे बनता है और ये कहाँ है। प्लेस तो आप लोगों ने देख लिया, एडिनोहाइपोफिसिस है, उसके बगल में न्यूरोहाइपोफिसिस, ठीक है। ये इस तरीके से ये था न्यूरोहाइपोफिसिस और ये यहाँ पे इस तरीके से था एडिनोहाइपोफिसिस, ठीक है। तो ये अभी हम लोग ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं न्यूरोहाइपोफिसिस। तो हम लोगों ने डील का क्या किया, एडिनोहाइपोफिसिस पूरा पढ़ लिया है, रोस्टल पार्स डिटेलिस, प्रॉक्सिमल पार्स डिटेलिस, पार्स इंटरमीडिया, ये कौन कौन से सेल्स कंटेन करते हैं और क्या क्या इसका फंक्शंस होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डील कर लिया है। अभी हम लोग चल रहे हैं न्यूरोहाइपोफिसिस में। न्यूरोहाइपोफिसिस एक्सोनियल नर्व फाइबर का बना हुआ होता है, ठीक है, और ये इसका ओरिजिनेटेड क्या है, डायनसेफेलोन है, और यहाँ पे कंपोज होता है ये किससे, एक्सोनियल नर्व फाइबर से, और जो ये होगा वो मोस्टली इसमें नॉन माइलिनेटेड होगा, यानी कि माइलिन सीथ इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब इसमें जो नर्व फाइबर्स होंगे उसमें माइलिन सीथ नहीं होगा, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड होगा ज़्यादातर। ये ओरिजिनेट जो होते हैं हाइपोथैलेमस के नेचुरल सेल बॉडी से ये ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मतलब फाइबर्स जो है टर्मिनेट होकर के न्यूरोहाइपोफिसियल कोर बनाते हैं, ठीक है, जिसका रिलेशनशिप जो होता है वो ब्लड वेसल्स के साथ होता है। न्यूरोहाइपोफिसिस जो है कभी कभी लार्ज एक मासेस बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं हेरिंग बॉडी, ठीक है। अब हेरिंग बॉडी को न्यूरोसिक्रेटरी बॉडी भी कहते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हेरिंग बॉडी कहाँ पाया जाता है, तो हेरिंग बॉडी जो है आपको जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के बेस पे हेरिंग बॉडी पाया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, बेस ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के बेस पर पाया जाएगा, ठीक है। कि अगर बात करते जैसे एक्सोन होता है, एक्सोन के टर्मिनल एंड पे पाया जाएगा, इसको हेरिंग बॉडी कहेंगे। और इसका काम क्या होता है कि कुछ समय के लिए ना ये ऑक्सीटोसिन को जो है ना स्टोर करके रखता है, ADH और ऑक्सीटोसिन, ये याद रखिएगा, कुछ समय के लिए ऑक्सीटोसिन को, ठीक है, हेरिंग बॉडी क्या करता है कि कुछ समय के लिए ADH को और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करके रखने का काम करता है, लंबे समय तक नहीं, स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है। ADH क्या, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन जिसको कहते हैं, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन। तो हेरिंग बॉडी जो होता है वो बनता कैसे है, मतलब जो न्यूरोहाइपोफिसिस होता है उसी में कभी कभी मतलब जो लार्ज मासेस लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे वाला पोर्शन होता है, एक्सोन टर्मिनल के रूप में आप कह सकते हैं कि वो जो पोर्शन होता है वो बल्बस सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हेरिंग बॉडी कहते हैं। और ये हेरिंग बॉडी जो है कुछ समय के लिए क्या करता है कि ADH और ऑक्सीटोसिन को स्टोर करने का काम करता है। तो ये इसका हेरिंग बॉडी का फंक्शन हो गया और ये इसको न्यूरोसिक्रेटरी बॉडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, न्यूरोसिक्रेटरी बॉडी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया कुछ? अब आते हैं, ये तो हम लोगों ने न्यूरोहाइपोफिसिस के बारे में देखा कि न्यूरोहाइपोफिसिस क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर हेरिंग बॉडी का है, तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आपका हो सकता है या मे बी आप भी आ जाए, ठीक है। तो न्यूरोहाइपोफिसिस का फंक्शन देखते हैं। न्यूरोहाइपोफिसिस के अंदर जो है पार्स नर्वोसा होता है, ठीक है, पार्स नर्वोसा और इनफंडिबुलम में ये डिवाइड करता है, ठीक है, पार्स नर्वोसा और इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिबुलम में ये डिवाइड करता है। तो इनफंडिबुलम होता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको कनेक्ट करने का काम करता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को, ठीक है। पार्स नर्वोसा वाला जो रीजन होता है न्यूरोहाइपोफिसिस का, वो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन को जो है रिलीज करता है और ये रेगुलेट करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, साल्ट बैलेंस में, आयन बैलेंस में, ठीक है, मैटिंग में और एग लाइन के दौरान, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों में ये इसका रेगुलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैमल्स की तरह ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन यहाँ पे फंक्शन नहीं कर रहा होता, उसका फंक्शन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट होता है।
ठीक है, तो वैसोप्रेसिन का काम क्या हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा किसका पार्ट है, न्यूरोहाइपोफिसिस का। तो न्यूरोहाइपोफिसिस का एक पार्ट है जो कि इसको पार्स नर्वोसा बोलते हैं। ये सिक्रीट करता है वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन। वैसोप्रेसिन ऑस्मोरेगुलेशन में, आयन बैलेंस में, साल्ट बैलेंस में, मैटिंग में, एग लाइंग में जो है ये हार्मोन पार्टिसिपेट करता है। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दोनों ही करता है। अगर ऑक्सीटोसिन का एक पार्टिकुलर फंक्शन की बात करें इन फेज, तो ये ओविडक्ट के कॉन्ट्रैक्शन में और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, फॉर्म करने के लिए जो ऑक्सीटोसिन जो है ये जो है हेल्प करता है, और एग लाइंग में भी ये ऑक्सीटोसिन जो है वो हेल्प करता है। इस तरीके से ये हो जाता है न्यूरोहाइपोफिसिस का फंक्शन। बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड क्लियर है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्लियर है, ये यहाँ पे मैंने डायग्राम एक रखा है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे ये बीच वाला जीएनआरएच ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन सेल्स यहाँ पे किस तरीके से स्ट्रक्चर है, जब बना के भी मैंने दिखा दिया आप लोग को, तो ये भी आप एक डायग्राम है, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने फिश एंडोक्राइनोलॉजी में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, और फिर है ना क्या करते हैं हम लोग, पहले जो है हमें जो इम्पोर्टेंट लगता है वो आप लोग को जो है डील करा देते हैं, बिकॉज जो है पहला और दूसरा यूनिट लगभग पोर्शन हो चुका है, ठीक है। तो क्यों, अगर आपका एक डेढ़ महीने में एग्जाम हो जाए तो कोई चीज़ छूटे ना, ठीक है, तो वो चीज़ हम देखते हैं। बताइए कहीं यहाँ तक दिक्कत है, पार्स एमिनेंस, हाँ एमिनेंस भी होता है, ठीक है, पार्स एमिनेंस होता है, वो जो होता है टेलियोस्टोमी का, टेलियोस्टोर जितने भी टेलियोट्स फिश हैं, कहाँ गया कर्सर भैया, ओ भैया, टेलियोस्टोमी जितने भी फिश हैं उसमें इमिनेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके प्रियंका, मतलब देखती हूँ, मतलब जो जो हमें लगेगा कि इंपॉर्टेंट है ना वो आपको डील कराते हुए चलेंगे। तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड आज आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में थायराइड ग्लैंड पढ़ा देंगे, तो इन दो में से कोई एक ग्लैंड आपको रहेगा, ठीक है। यस, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन होता है, कुछ ज्यादा ही सिक्रीट नहीं हो रहा, सब कुछ अगर लिमिट वे में हो, ठीक है, सारे हॉर्मोन्स अगर लिमिट वे में सिक्रीट हो तो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में होता है। अगर कोई भी हॉर्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो उसको इनएक्टिवेट करने वाला फैक्टर हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए क्यों बॉडी को ज़्यादा तकलीफ देना। कोई डाउट है प्रियंका, कुछ कुछ पूछना है पूछिए, जो भी पढ़ाया गया है टॉपिक से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, दो मिनट का वेट करते हैं, देन हम लोग लेफ्ट कर जाएंगे। हाँ बन जाओ फिर, मैं पकड़ पकड़ के जो है ना मतलब यहीं पे चिपकाने वाली हूँ स्क्रीन के ऊपर, और फिर हम मतलब सारे बच्चे पढ़ेंगे फिश के बारे में।
ना ना बन जाओ बन जाओ बन जाओ, कोई नहीं फिश बन जाओगे, छोटे से हो जाओगे तो मैं स्क्रीन पे चिपका दूंगी, मतलब सब ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट करेंगे ना फिर तो। अच्छा आप है ना, मतलब अगर लैब में कभी काम करने का मौका मिले आप लोग को तो पिट्यूटरी ग्लैंड को निकालिएगा, ठीक है फिश को। और अगर ठीक है नहीं भी मौका मिले ना तो मैं बताती हूँ। अच्छा एक डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए स्टार्टिंग में आई थिंक था इसमें डायग्राम तो मैंने रखा हुआ था, हाँ ये वाला डायग्राम थोड़ा देखिए। यहाँ पे आपको कार्प फिश का नाम सुना है, उसका ये हेड वाला पोर्शन है और उसमें ये आपको दिखाया जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए यहाँ पे एक ये इस तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरीके से जो है प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। तो जब अब फिश को खाइएगा ना तो पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल के देखिएगा उसका कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, क्योंकि थ्योरी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लोगे लेकिन प्रैक्टिकल का होना ज़रूरी है और यहाँ पे तो प्रैक्टिकल नहीं होता है उस जैसा होना चाहिए। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा अपने आप अपने इधर से ही मेहनत करें, ठीक है। तो फिश आप लेके आइएगा घर में, जब खाने के लिए बनाइएगा तो हेड वाला पोर्शन जो है बहुत सारा लेके आइएगा, मतलब एक केजी आधा केजी जो भी लेके आते हैं तो उसमें से एक फिश का हेड जो है कट करके और उसके पिट्यूटरी ग्लैंड को देखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको दिखे तो हमें फ़ोटो खींच करके हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ विद्या इंस्टीट्यूट फैमिली, ठीक है इस पर आप सेंड कर सकते हैं। और जो जो जिसका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है तो हमें पता चलेगा। तो आप लोग देखे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम देखे हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखिएगा निकाल के, और हाँ इसको स्टोर भी करके रखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है जानने में तो एक क्लास इसका रखा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे स्टोर करके रखते हैं, बताइए। पढ़ाएंगे सुजीत जी, रिप्रोडक्शन इन फिश भी पढ़ाएंगे। तो पहले तो क्या है ना, मतलब अभी जो है एक लाइन से हम लोग चल रहे थे तो आज से थोड़ा इम्पोर्टेंट पे फोकस करा हमने, ये हो जाता है फिर देन वी विल स्विच ऑन, मतलब थ्रू आउट द टॉपिक हम लोग फिर डील करेंगे, ठीक है। तो जिस भी दिन होगा वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ओके। अब मैं तो खाती नहीं हूँ तो मैं तो खा नहीं सकती ना, तो हमारे स्टूडेंट खाते हैं तो स्टूडेंट को ही खिलाऊंगी। अब आप फिश बनना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, हमारी तो इच्छा है नहीं ऐसी। एक्वेरियम में रख सकते हैं, बताओ कलरफुल फिशेस बनो एक्वेरियम में रखें। यस नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो है ना थोड़ा आप अपने तरफ से अपने एंड से थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ फिश में आप जाके देखिएगा, तो वो चीज़ आप जब भी फिश खाएंगे वो चीज़ आप देखने की कोशिश कीजिएगा। तो कम से कम देखिए लैब में नहीं हुआ है, ठीक है नहीं हुआ है, लेकिन कल कहीं जाएंगे अगर काम करने का, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने रियल में वो चीज़ देखा नहीं है, ठीक है आप वो चीज़ देखे हो रियल में तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा अपने एंड से जो है करने की कोशिश कीजिएगा। एसीटोन का तो नाम आप लोगों ने सुना होगा राइट, एसीटोन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सुना है एसीटोन का नाम, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है निकाल करके आप एसीटोन में जो है निकाल के वॉश करके इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फिश। कोई भी फिश ले आइएगा जो खाते हैं, चन्ना कवई क्या होता है क्लेरियाज, ठीक है जो भी ले मतलब फिश खाते हैं वो ले आइएगा और उसका पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल करके खुद भी देखिएगा और उसका फोटो खींच करके हमें भी भेजिएगा, जहाँ पे आपका मन करे विद्या जो टेलीग्राम चैनल पे। बाकी जो बच्चे हैं वो तो यहीं भेज सकते हैं,
बाकी जो आप लोग का ग्रुप बना हुआ है तो वो ग्रुप में भेज दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? फिर रखें, ठीक है? फिर आज के लिए इतना ही. इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.